संदेश में आपका स्वागत है। आज हेल्थ टॉक में आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, आपके सामने उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहेगा जिसको सुनते हैं तो एक अजीब सा लगता है, अनइजीनेस आती है। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ, जो नंबर दो कारण है डेथ का हमारे बच्चों के बीच में, 15 से 25 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में, उसका कारण है सुसाइड। ये एक आत्महत्या एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत कॉमन हो गया है, और ऐसा क्या कारण है कि हमारी यंग जनरेशन इस खतरनाक चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है? स्ट्रेस और किसी भी चीज़ का तनाव हमारी ज़िंदगी में बढ़ चुका है। तनाव क्योंकि हम मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं, चिंता क्योंकि हम कुछ ना कुछ लाइक्स के पीछे में भाग रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर, हमारे पॉकेट खाली होने का प्रेशर, हज़ार ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट आज की दुनिया में, आज के माहौल में जीता है। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ज़िंदगी में किस किस प्रेशर से गुजरता है, उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अप्पा सर, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। आपका स्वागत है साहब। थैंक यू। डॉक्टर सैयद हमारे साथ हैं जो कि डीन हैं मुफक्कम जहाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हैदराबाद में। आपका हमारे साथ स्वागत है। नमस्कार साहब। सो एक तनाव या चिंता हमारे यंग जनरेशन को ग्रसित करती जा रही है, और ऐसा क्या कारण लगता है डॉक्टर साहब कि हमारा आज का विद्यार्थी किसी न किसी स्ट्रेस को लेकर के और किसी न किसी चिंता को लेकर के हर समय घिरा रहता है? आपका क्या टेक है इसके बारे में? हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है। दैट्स इवन आई थिंक सो। तो लेकिन क्या है कि हमारा विद्यार्थी, हाँ, हमारा विद्यार्थी को किसी भी किस्म की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थी है। वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, वो अपने माँ बाप के नज़रों के सामने रहता है और माँ बाप के गाइडेंस में रहता है, तो उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके का कंपटीशन, जिस तरीके के दोस्त, जिस तरीके का सोशल मीडिया या गेमिंग है, या मोबाइल गेमिंग है, इंटरनेट गेमिंग है, या तो उसकी कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट ये वरी में, ये परेशानी में, ये चिंता में डूबा जा रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके माँ बाप के अलावा अगर कोई और है जो उसे गाइड कर रहा है किसी और डायरेक्शन में, तो वो उसे कॉशियस रहना चाहिए। उसका माँ बाप को और पेरेंट्स को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनिए, ताकि आप अपने बच्चे को करीब से जान सके, उसकी परेशानी क्या है जान सके, उसकी चिंता क्या है जान सके, और उस चीज़ को आप, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर आप ये डायरेक्शन में, अगर आप माँ बाप अगर बच्चे के साथ काम करें, बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा, तो हर बात शेयर करेगा, तो वो मिसगाइडेंस के लिए कहीं और नहीं जाएगा, वो जाके गूगल पे सर्च नहीं करेगा। एक स्टूडेंट का एक मिसाल देना चाहूँगा मैं। वो इंटरमीडिएट में 90% 92% मार्क्स लेकर आया था, और वो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने के बाद उसे किसी किस्म की कोई वरी शुरू हो गई। वो वरी ये थी कि वो बस में आता था, तो वो बस में कोई लड़की को देखता था, कोई लड़की उसको देखती थी, तो ये कभी कभी उससे बात करता था, वो लड़की भी इसे बात करती थी। तो इस, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग हो गया, कुछ ग्रेड से वो पास भी हो गया। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जब आया वो, तो कोर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई वहाँ पे, तो उसको ये समझ में आया कि ये लगा के मुझे ये दोस्ती छोड़ देना चाहिए और कंसंट्रेशन करना चाहिए मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड पे, ये सब्जेक्ट पे। तो वो लड़की को बता दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा अभी, यू टेक योर, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखूँगा, वी आर फ्रेंडशिप, यू नो, वी आर डन, आई एम ऐसा।
तो वो लड़की को भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो एवरी डे वाई बोल के 500 SMS करती थी वो, 500 इन ए डे, 500 SMS इन ए डे वाई. ये लड़का क्योंकि 18-19 ईयर्स की एज है वो, yes. तो वो कुछ भी करता था क्लास में या घर में या कुछ भी, तो उसको एक ही ख्याल आता था वाई वाई. तो वो इतना डिप्रेशन में चले गया उसके बाद में, उसकी सेहत इतनी ख़राब हो गई उसकी. वो डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास गए, फिजिशियन के पास गए, तो वो लोग कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए ये वो. तो ये लड़का क्योंकि इंटेलिजेंट था, होशियार था, तो ये क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि ये टैबलेट क्यों दे रहे हैं मुझे, इसका क्या केमिकल फार्मूला क्या है, और ये व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गिविंग. वो ये देख लिया कि दे आर ट्रीटिंग मी फॉर सम मेंटल डिसऑर्डर, ये देख लिया वो और डिप्रेशन में चले गया, yes. कि मैं मेंटल पेशेंट हो गया हूँ. वो ऐसे होते होते डिसकंटिन्यू कर दिया स्टडीज. वो सुसाइड की तरफ नहीं गया, बट वो कुछ करने के लायक नहीं है, इतना डिप्रेशन में चले गया. वो अगर ये जो प्रॉब्लम है जो लड़की का है या जो भी है, अपने पेरेंट्स से शेयर करता, अपने लोगों को बताता, डॉक्टर को बताता, या कि ये बहुत बाद में पता चला कि इस तरीके का ऐसा ऐसा था, ऐसा ये इशू है, बहुत डैमेज हो जाने के बाद. तो ये चीज़ों में, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, हम अगर अपने बच्चों को बताएं कि आपका फ्रेंड मैं हूँ, एज ए फादर, एज ए मदर, ये आपके फ्रेंड्स है, ये आपको ये चीज़ है, आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन हो सकता है, किसी लड़के से अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो चीज़ किस लेवल पे आप उसको डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप कितना सीरियस है, ये उम्र में आप ये चीज़ में किस तरीके से आपको जो है सो हैंडल करना चाहिए, ये उम्र में आपको क्या करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका क्या चाहिए, ये सब चीज़ें अगर हम अगर उनको खुल के दिल से अगर उनको बताएं, वो भी अगर दिल से अगर समझे, अगर हमको एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए फ्रेंड अगर हमको समझाएं, तो वो बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं. तो ये सब मैं एग्जाम्पल के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे को कोई टेंशन या वरी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है. माँ बाप आपको फीस दे रहे हैं, माँ बाप आपको खिला रहे हैं, वही आपके सबसे करीबी लोग हैं. जब आप प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि बच्चों के लिए उनके माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन में जो कि चले जाते हैं, इसको हैंडल करने में एक टीचर का रोल या प्रोफेसर का रोल क्या है, उसको ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि टीचर को पकड़ने चाहिए, भाई ये बच्चा बहुत अच्छा था क्लास में, ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें कि एक टीचर अपना रोल निभा करके एक ज़िंदगी को संवार सकता है? ज़रूर, ये तो टीचर तो ऐसी चीज़ को समझ सकते हैं कि जब क्लास में जो अच्छे स्टूडेंट थे अभी थोड़े से हट गए, थोड़ा सा वो हटते जाते, ग्रेड्स कम हो रहे हैं, नहीं तो ये ग्रेड की बात हो रहा है, ग्रेड की बात हो सकता है या तो इंटरेस्ट की बात हो सकता है, और दूसरे भी वजह हो सकते हैं कि ये, लेकिन वो धीरे धीरे वो हटते जाते हैं वो क्लास में, उनका कंसंट्रेशन देखने से टीचर को मालूम होता. इसलिए तो हमेशा वो क्लासरूम का भी जो सीनियर्स टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स सभी लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उनको तो वो दिल से जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए आए हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन के वो चुन के जो आते हैं, वो लोगों को मालूम है कि क्लास में कैसे बच्चों को ध्यान देना, कैसे बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरफ से जा रहा है, वो आसान से मालूम हो जाता है. ये लिस्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टीचर को तो जरूर मालूम होता है, टीचर पकड़ लेता है कि साहब आसान से पकड़ लेता है, कुछ तो कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ये बच्चा ये स्टूडेंट अलग से सोच रहा है, इनका सोच टीचर कैन इजीली अंडरस्टैंड. डॉक्टर साहब, जब ये सर बता रहे हैं कि टीचर कैन पिक इट अप, तो टीचर और माँ बाप के बीच में एक समन्वय होना, एक ओपननेस होना कितना ज़रूरी होता है आपके हिसाब से? बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए एक टीचर को. पहली चीज़ ये है कि एक टीचर, एक प्रोफेसर अपने घर के अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह छोड़ के क्लास को जाना चाहिए, ताकि वो बच्चों से करीब हो सके.
वो स्टूडेंट से करीब हो सके और उनको समझ सके. और ऐसे बहुत सारे टीचर्स करते हैं, जैसे सर ने बताया है कि ऐसे प्रोफेसर है जो अपना घर छोड़ के वो घर के अपने सदस्यों के साथ उतना टाइम नहीं देते जितना अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम देते. यस, हॉस्टल में है तो वो अपना घर छोड़ के हॉस्टल चले आते हैं. यस, उनको बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके साथ चाय पीने के लिए, उनके साथ. तो वो जो बॉन्डिंग है, वो करीबी जो है, वो बहुत ज़रूरी है. ये हम ये देखते हुए आए हैं, हम इस तरीके से ग्रो हुए हैं. अब जिस तरीके से जो स्टूडेंट जिस तरीके से कि हम आपको नहीं बस है, हमने क्लास तक बस है अभी आप है ना, ये हम देख लेंगे, हमको पता है. तो ये जो है इसके लिए हम दोबारा से फिर एक बार कोशिश करें और पेरेंट्स के साथ मिलकर कोशिश करें. टीचर एंड पेरेंट्स अगर मिलकर अगर काम करेंगे तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और ये जो सुसाइड और वरी और ये जितने भी परेशानियां जो स्टूडेंट्स की हैं वो हम डील कर सकते हैं. आईआईटी का एक थ्रू आउट इंडिया में आईआईटीज का एक सर्वे हुआ था. वो सर्वे में ये बताया गया था कि स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, फर्स्ट आवर मिस कर दे रहे हैं क्लासेस, फर्स्ट आवर नहीं आ रहे हैं, सेकेंड आवर नहीं आ रहे हैं. क्यों? वो रात के 1 बजे 2 बजे तक कुछ ना कुछ, क्योंकि वाईफाई वगैरह सब रूम्स में होता है, हॉस्टल में होता है, तो वो किसी ना किसी चीज़ पे बिजी है. तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ सक रहे हैं, क्लास को नहीं आ रहे, फर्स्ट आवर मिस हो जा रहा, सेकंड आवर मिस हो जा रहा, जिसकी वजह से बैड ग्रेड्स आना शुरू हो गया उन लोग के. वो लोग आईआईटी में आ गए, इतनी मेहनत करके, इतनी कंपटीशन पार करके वो लोग आईआईटी में आ गए, वहाँ पर ग्रेड ख़राब हो गया या फेल हो गया. वो वजह से 16 स्टूडेंट्स कुछ सुसाइड अटेम्प्ट किए और 7 या 8 मर गए उसमें, उनकी जान चली गई. तो ये चीज़ों में अगर पेरेंट टीचर, क्योंकि पेरेंट घर पर है, टीचर स्टूडेंट हॉस्टल में है, वहाँ पर जो पहले आईआईटी का या जो कल्चर होता था, स्टूडेंट्स बैठते थे, मिलकर बैठते, बात करते, कुछ गाना गाते, कुछ शेयर करते, कुछ जोक्स बोलते, कुछ गेम खेलते, कुछ फिरते. अब वो बात नहीं है, अपने में आप अलूफ हो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स मिल रहे नहीं किसी से, बात नहीं कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें मिल करके ये परेशानी, ये प्रॉब्लम आ रहा है. अब वो कोई गेम्स में इंटरेस्टेड है, कोई कुछ लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कोई कुछ और चीज़ में इंटरेस्टेड है. तो आपको ये दुनिया की कई चीज़ें आपके बटन, क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल है आपके. तो आप किस तरीके से, किस तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं है. प्रोफेसर साहब, सोशल मीडिया का एंड मोबाइल का और इंटरनेट का क्या प्रभाव है हमारे आज के विद्यार्थी पर, स्टूडेंट पर? ये सोशल मीडिया के चक्कर में तो बहुत सारे परेशानियां हैं बच्चों के लिए. इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं कि वो जो आप सोशल मीडिया के वो माध्यम से जो आप संपर्क रखना चाहेंगे उसको लिमिटेड कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी फायदा है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बिल्कुल वो हट से हट के रहना, वो कभी यूज़ नहीं करना, वो बोलने का अभी ज़रूरत नहीं है. लेकिन बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए कि जहाँ तक इसको यूज़ करना है, ये माध्यम हम किधर भी ले जा सकते हैं. हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं. अभी तो दुनिया आपके मुट्ठी में है. Yes. जब आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल है तब ये सब कुछ आपके मुट्ठी में है. तो वो सब चीज़ को बच्चे को कैसे मालूम होगा, किसकी बात सुनेंगे बच्चे, वो लिमिट क्या है, वो लिमिट तक कहाँ यूज़ करेंगे. लेकिन ये क्या होता है कि इट बिकम्स अ वाइस. जब एक बार यूज़ करना चाहते हैं आदत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि साहब उसको छोड़ना कठिन हो जाता है. हाँ, वो और भी है कि आसान से मिल रहा है. उसके लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना होता है तब तो उतना मेहनत नहीं करेंगे. वो बिना मेहनत आप ऐसा ऐसा क्लिक ऑफ द बटन, जैसे सर बोल रहे हैं, वो क्लिक ऑफ द बटन से आपको कुछ सब कुछ मिल रहा है. इसलिए तो वो लोग ये आसान का ये रूट देख लिया. एंड खुश हो कि आप इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ICMA कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो ये फ्री वाईफाई है, जो भी जो कॉस्ट है उसका, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता है साहब इंडिया में.
जी, बाकी जगह में आपको एक 1 GB डेटा के लिए आराम से आप $1-2 खर्च करते हो, यहाँ पे तो आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हम लोग बहुत सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे में मिलता है। हाँ, वो तो, डॉलर की बात हाँ, हाँ, तो पैसे में आई थिंक दैट्स व्हाट, तो वो एक बहुत जरूरी सी चीज, क्योंकि एक एज अ वाइस चांसलर एज अ डीन आई थिंक हमको अपने लीडर्स को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। हर एक चीज बहुत आसानी से अगर मौजूद करा दी जाए तो उसका बहुत आसानी से मिसयूज भी होता है जी। क्योंकि मैं हर किसी को बताता हूँ, गूगल मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गूगल मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिस अ बैड यू नो मास्टर्स एंड अ गुड सर्वेंट्स, तो उनको जितना हम लोग कंट्रोल में रख सके वो अच्छा है, क्योंकि जिस दिन इन्होंने कंट्रोल करने लग गए तो फिर वी आर इन टू रॉन्ग हैंड्स। तो दिस इज व्हाट वी नीड, पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए इस उम्र में, जो 15 से लेकर के 25 के yes. जो उम्र है उसमें नियंत्रण का ये आसान नहीं है, आसान नहीं होता। यस, वी कैन इजीली गो ऑफ हैंड्स। प्रोफेसर साहब, इन सारी चीजों में हमारा बच्चा जो है, यंग एडल्ट जो है, वो धीमे से ड्रग्स की तरफ पुश हो जाता है जी। क्योंकि वो उसको उतने लाइक्स नहीं मिल रहे जितने उसको लाइक्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमको सोशल मीडिया मिलने चाहिए, और वो देखता है कि हमारे कोई एक फ्रेंड है जो कि सिगरेट या कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं। कितना इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का आजकल ड्रग के साथ है आपकी नॉलेज में डिफरेंट पोजीशंस पे? नहीं, ये ड्रग्स एब्यूज ऑफ ये ड्रग जो हो रहा है ये हर विश्वविद्यालय में या तो IIT में या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी जहाँ अवेलेबल है, जहाँ विद्यार्थी हैं वहाँ ये कल्चर पहुँच रहा है, फैल रहा है। हमको ये किसी तरह से उसको कंटेन करना वो मुश्किल हो रहा है, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे देखते छोड़ते नहीं है। पॉलिसीज वाइज तो कोई भी नहीं ऑल छोड़ता, सब कुछ जो करना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो कितने देर आप इन लोगों को पुलिसिंग करते रहेंगे? वो विद इन निकलना है। हाँ, उसके लिए अच्छे काउंसलिंग प्रोसीजर्स हैं। यस, लेकिन वो काउंसलिंग जब कब काम में आएगा? जब ये बच्चा वहाँ तक जाएगा तभी तो वो काउंसलिंग का काम आएगा, फायदा उठा सकते हैं। यस, जब ये लोग वहाँ जाने का रेडी नहीं है वो बोलते रहेंगे कि हम नहीं हम नहीं पी रहे हैं, हम ये वो नहीं कर रहे हैं, आपको कौन बोला है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात में आप जाएंगे तो वो कुछ और कर रहे हैं। यस, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये सिस्टम्स वो इंस्टीट्यूशंस में, विश्वविद्यालयों में या कॉलेज में जो काउंसलिंग के सिस्टम्स रखे हुए हैं उसको अच्छी तरह से अगर यूज़ करें और पेरेंट्स की और पीयर्स की उनको बात शेयर करना, उन लोगों से आपस में बोलते रहना और तुम्हारे डिफ़िकल्टी क्या है, तुम कैसे सोच में हो, तुम वो सब शेयर करने से तुम कोई ना कोई तो आपको अच्छे सॉल्यूशन देंगे। या ट्रू, ये स्टूडेंट्स हैव टू लर्न वो शेयर करना, इसके बाद वो जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने का और उसको प्रैक्टिस करने का, तब तो ये एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल। अदरवाइज वो आप वो कहते हैं दलदल में घुसते चले जाते हैं कि आपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सो कॉल्ड ड्रग्स का सहारा ले, वो आपको और अंदर खींच ले। ड्रग्स की बात पर जो सर जो बोले हैं उसको एक कंटिन्यूएशन में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि माँ बाप को नहीं मालूम कि ड्रग्स क्या है, अवेयरनेस बहुत कम है। यस, किस तरीके के ड्रग्स है, किस फॉर्म में अवेलेबल है और किस तरीके से है वो पता नहीं है। बड़ी आसानी से माँ बाप आजकल पैसा है, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। यस, बहुत कम पैसा रहता था, अब आजकल के माँ बाप के पास पैसा बहुत है और वो बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं बट पैसे जल्दी दे दे रहे हैं, दे देते हैं, ट्रू, बड़ी आसानी से दे दे रहे हैं। वो उनको मालूम नहीं कि वो पैसा क्या कर रहा है। ये अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़राब पढ़ने वाले बच्चे हैं, चंद स्पोर्ट्समैन भी है, चंद NCC के बच्चे भी हैं, कई वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें, जो ये ड्रग या गांजा वगैरह जिस तरीके इजी जो मिल जाती है, वीड जिसको बोलते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं। इसके वो इस उनके दो दोस्त लोग होते हैं वो इस तरीके से बताते हैं, ये अगर पीएंगा तो ऐसा हेवन में चले जाएगा, जन्नत में चले जाएगा, तो हेवन में चले जाएगा, स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्ग की फीलिंग आएंगी तुझे, एक बार पी के देख पा। अच्छे स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी है,
ये बहुत कॉमन कल्चर हो गया है, बहुत कॉमन कल्चर हो गया है। इसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, बट पुलिस के अकेले का काम तो आई मीन दे आई थिंक वी फील वेरी ऑनर्ड कि तेलंगाना पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन अराउंड, इंडियन पुलिस इज डूइंग द वर्क, बट उसके लिए सिर्फ पुलिस के हाथों से तो होने वाला मुझको नहीं लगता ये चीज़ है, क्योंकि ये आपके एक कंपनी, एक आपकी किस हम बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। उसके अलावा एक चीज़ और है, आप अगर पिछले एक महीने के अगर अखबार उठा के अगर देखेंगे, अगर आप चंद लोगों को हम गिरफ्तार किए हैं, पुलिस ने काम किया है अपना, उनको अरेस्ट किया है, चंद फॉरेनर्स है उसमें, चंद हमारे ओन हमारे सिटी के हमारे ओन स्टूडेंट्स है, वही कॉलेज के या आजू बाजू कॉलेज के या कुछ वो लोग क्यों इसमें जा रहे हैं, वो लोग चाहते कि वो अपना एक बढ़िया लाइफ स्टाइल से गुजारे, उनके पास पैसे नहीं है, तो क्विकली ये अगर मेरे दोस्त को अगर दे दूंगा तो वो मुझे पैसे आसानी से कमाऊंगा मैं, और वो क्योंकि बहुत खरीबी है उसकी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स इसे सप्लाई कर ड्रग पेडलर है। आई थिंक दैट इज ट्रू। मैं अभी ऐसे ही लास्ट टाइम भी जिक्र कर रहा था कि हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एस के जोशी साहब, उनसे मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि हम लोगों के ज़माने में एक हमारे पूर्वज बुक आया करती थी जिसमें काफ़ी मॉरल की स्टोरीज होती थी, उनको पढ़ करके और आप और हम लोग मतलब आई रियली बिलीव मैं बहुत इंस्पायर हुआ था यू नो इन बुक से कि आप एक एक स्टोरी पढ़िए, तो वो अच्छा चीज़ हुआ करता था कि ऐसा उन्होंने उस ज़माने में किया, हमको भी ऐसे ही करना है। अब हमारे सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में वो थोड़ा सा मिस आउट सा हो रहा है, तो उसमें एक एजुकेशन सिस्टम का कितना हाथ है, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं जो कि ग्रेड्स में फोकस करके ईयरली पैकेज कितना कमा पाएगा हमारा बच्चा उस पर ही फोकस करता है, कि हम लोग वैल्यूज़ जनरेट करने में भी फोकस कर रहे हैं। आज का हमारी यूनिवर्सिटी में साहब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डू वी डू सच काइंड ऑफ काउंसलिंग कि ऐसा माहौल हम पैदा करें कि नहीं हम उन्मुक्त ख्यालों को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं और उसके बारे में हम आपको गाइडेंस भी देना चाहते हैं। नहीं, वो सब चीज़ आजकल विद्यार्थियों में सुनने का मूड भी नहीं है। अगर आप वो बोलेंगे आपके नज़दीक कोई नहीं आएंगे भी नहीं। वो ठीक है, ये पुराना ज़माने के आदमी हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, अभी इनको मालूम नहीं है, अभी इतना दुनिया बदल गया है, ट्रेंड्स हैव चेंज्ड, अभी ये 50 साल के इन लोगों का 10-15 साल का पहले का भी वो पुराना लगता है। फॉरगेट अबाउट टॉकिंग अबाउट 50-100 ईयर का आपका कल्चर, आपका वो बोलने वेरी स्मॉल परसेंटेज विद्यार्थी हैं, दे आर स्टिल वो सुनते हैं, वो उसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो विद्यार्थियों का वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है अभी। वो दे आर कैरिड अवे, अभी बाहर के इतना दिखता है, इतना कलरफुल दिखता है वो सब, वो जब इवन अगर मेरे को मेरे बच्चे के साथ बैठ के 15 साल का तो ठीक है, 20 साल पहले इसके पहले का कुछ मूवी देखना है, वो बोलेंगे कि आप देखिए मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे को इनके साथ बैठना है, मेरे को ये लास्ट ईयर का मूवी देखना है या तो करंट मूवी देखना है, अगर वो देखना है, अगर मैं वो देखने के लिए मैं तैयार हूँ तो वो लोग बैठेंगे मेरे साथ। एंड फिर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके के सीन्स हैं आजकल आ रहे हैं विच मेक्स अस अनकंफर्टेबल, नॉट ओनली दैट, वो इतना फास्ट भी होगा, वो डायलॉग्स ऐसे होते हैं, हमको वो सब सुनने का हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है। दैट इज ट्रू। सीन को छोड़ दीजिए, कभी कभी वो भी होता है, लेकिन वो सीन को छोड़ दीजिए, पुराने जमाने में भी कभी कभी वो होते थे ऐसे चीज सीन, लेकिन वो लैंग्वेज होता है, वो सब कुछ बदल गया। यस, सब कुछ बदल गया। I'm very happy to hear that, Dr. Syed, आपका क्या ख्याल आता है कि फिल्म जगत का या बॉलीवुड का और इसका स्ट्रेस रिलेशन हमारे जो बच्चों में है, उनका प्रेशर कितना है हमारे बच्चों के ऊपर? बहुत ज़्यादा है। बच्चे मूवी से और जो करंट मूवी, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज के फिल्म स्टार्स हो या चाहे वो हिंदी के नेशनल चैनल के हो, नेशनल फिल्म इंडस्ट्री के हो, काफ़ी ये लोग प्रभावित रहते हैं, अफेक्ट होते हैं उनसे। जो भी लेटेस्ट स्टाइल जो वो लोग बनाते हैं, चाहे वो हेयर कटिंग का हो, चाहे वो ड्रेसिंग का हो,
چاہے وہ بات کرنے کا لہجہ ہو، چاہے وہ ریپنگ وغیرہ جو گانے جس طریقے کے آ رہے ہیں وہ، اور وہ جس طریقے کے لارجن دین لائف جس طریقے کا بتاتے ہیں کہ سموک کر کے اس طریقے سے ہوا میں دھواں چھوڑنا ہے، دے آر بہت وہ لوگ پہ اثر کر رہا ہے. تو دین ہم ایک صاف صاف چیز ہے کہ ہم کو ایک رول ماڈلنگ کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ کو کوشش کرنا پڑے گا کہ جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں، جو بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، وہ اس چیز کو تھوڑا سنبھل کر کے ہینڈل کریں، کیونکہ ان کو فالوورز بہت ہیں، بہت زیادہ ہے. اس ڈائریکشن میں ایک دو موویز بہت اچھی آئی ہیں، جیسا کہ تھری ایڈیٹس آئی ہے، یا اس طریقے کے جو نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، جیسا منا بھائی ایم بی بی ایس بھی بتایا گیا ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے بچوں پر ایک اچھا امپیکٹ، ایک فنی طریقے سے، بٹ ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ. ارے ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اس میں بھی ایک دو سوسائڈ کے سینس بتائے گئے ہیں مووی میں، تو کیا وجہ ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ریزن ہے. ایک ٹیچر کے لیے بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے بچے سے ہینڈل کریں، اور بچے کے بھی جو ہے سو کس طریقے سے وہ افیکٹ لے رہا ہے، اثر ہو رہا ہے اس کو. تو وہ سوشل میسیج جو بچوں کو جا رہا ہے اس سے کافی فرق پڑے گا. اس طریقے کے موویز، اس طریقے کا رول ماڈل اگر آئیں گا تو بچوں پہ کافی فرق پڑے گا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہماری ڈسکشن ڈاکٹر سید صاحب سے ہوا اور پروفیسر اپا اور پودلے صاحب سے ہوا، جو کہ وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف حیدرآباد کے، کہ ہمارے بچوں کا خیال آپ کو اور مجھ کو رکھنا ہے. ایک چیز یاد رکھنی ہے، باڑھ میں اور ایک ندی کے پانی میں کیا فرق ہوتا ہے. باڑھ کا پانی انینترت ہوتا ہے، ندی کا پانی کے دو بینکس ہوتے ہیں، دو کنارے ہوتے ہیں، اور وہ دو کنارے جب ہٹ جائیں گے تبھی وہ باڑھ میں پریورتت ہوتے ہیں. جو دو کنارے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ کی بات سننا، بھلے ہی آپ کو برا لگے، انیزی لگے، وہ بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی بات سکھائیں کہ جو بھی ان کو پریشانی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ماں باپ کے پاس، نہیں تو اپنے ٹیچر کے پاس آنا ہے. اور اگر یہ سب بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اتنے کھلے نہیں ہیں کہ ان سب سے اپنے بارے میں بات چیت کر سکیں، کچھ سینسیٹیو ٹاپکس ہو سکتے ہیں، سیکشوالٹی کے بارے میں ٹاپکس ہو سکتے ہیں، نیو ٹرینڈس کے بارے میں ٹاپک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کو اپنی باتیں اپنے رائٹ کائنڈ آف فرینڈ سے کرنی ہے. زندگی میں وہ دوست اچھا نہیں ہے جو صرف اور صرف آپ کی بڑائی کرے اور اچھی بات بولے. جو آپ سے آپ کے منہ پہ کڑوی بات بول سکے وہی آپ کا اچھا دوست ہے. اسی لیے بی کیئرفل اباؤٹ دا کمپنی وچ یو چوز. زندگی میں سارے کے سارے رشتے اوپر والا بنا کے دیتا ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن آپ چوز نہیں کرتے ہیں، لیکن فرینڈز آپ چوز کرتے ہیں. بی ویری کیئرفل اباؤٹ چوزنگ یور فرینڈز، کیونکہ متر ہی آپ کے کریکٹر کا چتر بناتا ہے. اس کو یاد رکھیے. دوبارہ ہم آئیں گے اسی چینل پہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، شبھ سندیش کے اس ہیلتھ ٹاک پروگرام کو دیکھتے رہیے. ہم دھنیواد دیتے ہیں ڈاکٹر سید کو اور ڈاکٹر پپر اور پودلے سر کو کہ آج وہ یہاں پہ آئے اور اپنا امپورٹنٹ ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. دھنیواد سر. دھنیواد. نمسکار. تھینک یو.